हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सोनी चौधरी को मिथिला विभूति सम्मान मिलने से इलाके में हर्ष। मैथिली की प्रसिद्ध गायिका मिथिला की बेटी सोनी चौधरी को मिथिला के पारंपरिक लोकगीतों की बेहतर गायकी के लिए सोमवार की शाम मिथिला विभूति सम्मान उपाधि से अलंकृत किया गया। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित मिथिला विभूति पर्व समारोह में उन्हें यह सम्मान बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय झा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी, नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी, पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी आदि के कर कमलों से प्रदान किया गया। बता दें कि मैथिली मंच की सिद्ध हस्त पारंपरिक लोक गायिका सोनी चौधरी शुभंकरपुर निवासी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत झा की पुत्री एवं नेहरा ग्रामवासी गौरी शंकर चौधरी की पुत्रवधु हैं। उन्हें यह सम्मान मिलने से इलाके में हर्ष का माहौल कायम हुआ है। सम्मान पाने के बाद सोनी चौधरी ने बताया कि मैथिली के पारंपरिक लोकगीतों की गायकी के लिए इस सम्मान से सम्मानित होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि उनके संस्कार में रची बसी मातृभाषा मैथिली और पारंपरिक लोकगीतों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति यह सम्मान उत्साह बढ़ाने का काम करेगा। मैथिली के पारंपरिक गीतों के उत्कृष्ट गायकी के लिए वह इससे पहले अनेक राजकीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। मिथिला की महिमा हवन अनुपम वसुधा पर पसरल हमर स्वजन, निज सत्य सुरक भावक गुंजन, निज सत्य सुरक भावक गुंजन, निज भाषा पर सदिखन अर्पण हम मैथिली छी।